मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अचानक तबीयत खराब हो गई है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्हें सर्दी जुकाम और बुखार के साथ सीने में दर्द की शिकायत बताई गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ले जाया गया। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ नेता कमलनाथ को सीने में दर्द, सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायत है। एक दिन पहले ही कमलनाथ का छिंदवाड़ा का दौरा भी टालना पड़ा था। अचानक व्यस्तताएं बताकर उसे भी एक दिन पहले टाल दिया गया था। इसे स्वास्थ्य कारणों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। कमलनाथ पिछले एक सप्ताह से दिल्ली में ही थे। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कमलनाथ रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।